में मैं बोल के सक्सेन आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। फरियादी ने कार्रवाई को लेकर थाने में सौंपी थी रिपोर्ट, लेकिन फरियादी के बेटे को ही बनाया मुलजिम। हिंडोली थाना पुलिस ने मुलजिमों को फरियादी बनाने में फरियादी को मुलजिम बनाने का मामला सामने आया है। यह मामला हिंडोली थाना क्षेत्र के ग्राम बावड़ी खेड़ा का है, जहां फरियादी नंदकिशोर पुत्र मूल सिंह ने अपनी खातेदारी जमीन खसरा नंबर 28/155 7 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 153 में 14 बीघा 5 बिस्वा में गेहूं की फसल बो रखी थी। प्रार्थी की खातेदारी जमीन पर घनश्याम सुवालका, रामस्वरूप खटीक, शोजी राम, शिवराज ने अपनी जमीन पर ताराबंदी कर फरियादी की जमीन से धोरा निकालने पर आमाद हो गए। प्रार्थी ने कई बार मना करने के बाद भी उक्त लोगों ने जबरन खातेदार जमीन पर 28 नवंबर की रात्रि 11 बजे जेसीबी चलाकर धोरा निकाल दिया, जिससे फरियादी की गेहूं की फसल नष्ट हो गई। इससे पहले भी फरियादी नंदकिशोर ने तहसीलदार भावना सिंह व एसडीएम मुकेश कुमार चौधरी को लिखित में रिपोर्ट भी सौंपी थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फरियादी नंदकिशोर व एसपी व कलेक्टर को कार्रवाई के लिए लिखित में रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उल्टा ही उक्त लोगों ने फरियादी के बेटे लक्ष्मण सिंह के खिलाफ पेज की बावड़ी चौकी में रिपोर्ट सौंप दी, जिसे पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा फरियादी नंदकिशोर के पुत्र लक्ष्मण सिंह को मुलजिम बना दिया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा लालसोट चुनाव के किशोर माली बने अध्यक्ष। दौसा जिले के उपखंड लालसोट पर रविवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा लालसोट के वार्षिक चुनाव श्री अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा लालसोट का निर्विरोध किशोर माली को अध्यक्ष बनाया गया। धीरज कुमार शर्मा उपाध्यक्ष, गिरिराज प्रसाद गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनुराग प्रिया शर्मा कोषाध्यक्ष, विमलेश गुप्ता अध्यापक प्रतिनिधि, संतोष कुमार शर्मा शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि, प्रभुलाल मीणा मंत्री, वहीं महिलाओं में रेखा बिलोकनिया महिला उपाध्यक्ष रही और नीलम जैन महिला मंत्री बनी। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा प्रधानाचार्य मुख्य चुनाव अधिकारी रहे। आपको बता दें कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा लालसोट के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष सहित सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचित रहे। इस अवसर पर कृष्ण गोपाल शर्मा, भोलाराम रायगर, मनोज सोनी, महेश सोनी सहित अनेक अध्यापक मौजूद रहे। सेडवा में किसानों के खुले उन्नति के द्वार। किसानों के खुले उन्नति के द्वार। सेडवा उपखंड के साता गांव के किसानों को आए दिन बार बार वोल्टेज और ट्रिपिंग का सामना करना पड़ता था। अब साता बिजली घर में 3000 किलोवाट की क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की जगह अब 5000 किलोवाट क्षमता वाला हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस मौके पर साता सरपंच तेजदान चारण, जेएन घनश्याम जी, गोर्धन दान चारण, सुरेश दोत, बिजली घर स्टाफ, अन्य गणमान्य ग्रामीण मौजूद रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।